नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आशुतोष की बात के इस कार्यक्रम में एक हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गल्फ कंट्रीज में, अरब वर्ल्ड में जो भारतीय हैं और वो जो हेट पोस्ट लिख रहे हैं या नफरत की बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ लिख रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ लिख रहे हैं, और खासतौर पर जिस तरीके से पिछले दिनों कोरोना के संदर्भ में मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया था, उसको लेके वहां तीखी प्रतिक्रिया है, तीखी नाराजगी वहां जताई गई है। और मैंने तब भी आपसे कहा था और आज फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये जो लोग हेट पोस्ट लिख रहे हैं, नफरत की बातें सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, इसका बहुत बुरा नतीजा भारत को हो सकता है, इसको भारत का बहुत भारी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अब मेरी बात काफी हद तक सच होती नजर आ रही है। शनिवार को यानी दो दिन पहले गल्फ न्यूज में एक खबर आई है, उस खबर के मुताबिक तीन भारतीयों को जिनके नाम हैं रोहित रावत, सचिन किन्नी गोली और एक सज्जन है जिनका नाम उनकी कंपनी ने विधेय कर दिया है, या तो इनको नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है या निकाल दिया गया है, और या इनको पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। यानी तीन भारतीयों के खिलाफ वहां की कंपनियों ने, जो यूएई की कंपनी है, उन लोगों ने इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है, नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है 30 अप्रैल को, और अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि पिछले महीने यानी अप्रैल के महीने में कम से कम 6 भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनमें से कुछ की नौकरियां गई हैं, कुछ को पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है, और कुछ को सस्पेंड करके उनकी तनख्वाह को रोककर उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ये यानी सिर्फ एक महीने के अंदर कम से कम 9 से 10 लोग के भारतीयों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था गल्फ कंट्रीज के अंदर भारतीयों के खिलाफ। वहां भारतीयों को लेकर वहां के लोगों के मन में, वहां की सरकार के मन में ये धारणा थी कि बड़े शांतप्रिय लोग हैं, ये नफरत की बातें नहीं करते हैं। ऐसे में ये भारत के लिए चिंता की बात है, और चिंता की बात के साथ साथ इस बात का भी प्रतीक है कि एक तबका ऐसा है जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार इस्लामोफोबिया पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लगातार उनके खिलाफ नफरत पैदा कर रहा है, और इस नफरत की फसल वो लोग बो रहे हैं जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हुए। ये जो मिस्टर रोहित रावत है, ये एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ के पोस्ट पर थे। इसके अलावा वो जो 6 लोग जिनको नौकरियों से निकाला गया, जिनके नाम मैं अभी आपको बता देता हूं, इनमें एक है मिस्टर बालाकृष्णन जो चीफ अकाउंटेंट थे एक मल्टीनेशनल कंपनी में दुबई में। इनके अलावा राकेश बी हैं जो एक सर्विस सॉल्यूशन कंपनी में टीम लीडर हुआ करते थे। मितेश उदेशी हैं जिन्होंने कार्टून पोस्ट किया था, ये बड़े पद पर वहां पे थे। समीर भंडारी फ्यूचर विजन इवेंट नाम की कंपनी तो उसमें काम करते थे। सौरभ उपाध्याय जो वहां पे कंपनी को ओन करते थे, चलाते थे, ये कोई जाहिल किस्म के लोग नहीं थे, अनपढ़ गंवार किस्म के लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, जो सक्सेसफुल लोग थे। उन्होंने गल्फ कंट्रीज में रहते हुए, दुबई में रहते हुए या यूएई में रहते हुए मुसलमानों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखी है, फेसबुक पे लिखी है, ट्विटर पे लिखी है, अब उस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, और वहां की सरकारें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही हैं, ये बात समझी जा सकती है। ये बात अगर यहीं तक रुक जाए तो भी बात समझ में आती है, लेकिन अब इसकी प्रतिक्रिया दूसरे स्तर पर भी दिखाई पड़ने लगी है। और दूसरे स्तर पर इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिछले महीने यानी अप्रैल के महीने में 18 तारीख को ओआईसी कंट्रीज ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया की थी, इस्लामोफोबिया की निंदा की थी, उन्होंने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके, और यह भी कहा था भारत के प्रधानमंत्री से कि वो इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और यह कहा था कि आप इस्लामोफोबिया पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करें। उसके बाद आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री कार्यालय को बयान इशू करना पड़ा था, और यह कहा था कि कोरोना किसी धर्म जाति को देखकर नहीं होता है। साथ ही साथ 3 ऐसे देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, जिनमें भारत के राजदूतों को बयान इशू करना पड़ा, और यह कहना पड़ा कि भारत टॉलरेंस की पॉलिसीज में यकीन करता है और वो इस तरीके की नफरत की बातों में यकीन नहीं करता है। कतर, यूएई एंड ओमान, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। लेकिन बात वहीं पर नहीं रुकी, उसके 10 दिनों के बाद अब कुवैत ने
कुवैत की सरकार ने एक बयान इशू किया है और कुवैत की सरकार जो जनरल सेक्रेटेरिएट ऑफ कुवैत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत ही भारत के लिए अच्छी अच्छी खबर कतई नहीं है। उनकी तरफ से कहा गया है कि भारत में कुछ लोग हैं जो मानवता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ अपराध कर रहे हैं और उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। और अगर वो सोचते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड इन सब चीज़ों को देखते हुए चुप बैठेगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा, तो शायद वो किसी मुगालते में है। और साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में जो उनका बयान है उसका एक हिस्सा मैं खाली आपको पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा है कि दैट द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड विल रिमेन साइलेंट एंड अबाउट दीज क्राइम्स एंड डोंट मूव पोलिटिकली लीगली इकोनॉमिकली। मतलब समझिए आप, वो कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से चलता रहा, भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की बातें चलती रही, तो दुनिया भर के मुसलमान शांत नहीं बैठेंगे और न केवल शांत नहीं बैठेंगे बल्कि पॉलिटिकली यानी राजनीतिक तौर पर, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक तौर पर, लीगली यानी कानूनी तौर पर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। ये खुली चुनौती है भारत को और जो चुनौती आज तक भारत को कभी किसी पाकिस्तान एक दो को छोड़कर कभी भारत के खिलाफ इस तरीके की खुली चुनौती कभी नहीं दी गई थी। हमारे बड़े अच्छे रिश्ते उनसे हुआ करते थे। इसका एक और ये कितनी गंभीरता से भारत में जो इस्लामोफोबिया कुछ लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसको कितनी गंभीरता से गल्फ कंट्रीज में लिया जा रहा है, इसका एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। और वो उदाहरण ये है कि पिछली बार हमने आपको बताया था कि किस तरीके से यूएई की प्रिंसेस अल जो प्रिंसेस हैं उन्होंने एक लेख लिखा है गल्फ न्यूज संडे के फ्रंट पेज पर लेख लिखा है और ये बहुत ही स्केथिंग लेख है अपने आप में, भारत की छवि को लेकर, भारत के नेतृत्व को लेकर और भारत की राजनीति को लेकर जो टिप्पणी है बहुत ही गहरी टिप्पणी है और बहुत ही नुकसानदेह, भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। इस जो लेख का जो टाइटल है यानी जो इसका जो हेडलाइन है वो कहते हैं आई प्रे फॉर एन इंडिया विदाउट हेट एंड इस्लामोफोबिया। यानी मैं एक ऐसे भारत के बारे में प्रार्थना कर रही हूँ जहाँ पे नफरत इस्लामोफोबिया नहीं है। और फिर अंदर जो बात लिखती हैं उसमें अगर आप समझदार हैं तो आप जान रहे हैं कि जो भाषा वो लिख रहे हैं वो किसको उन्होंने अटैक किया है। उन्होंने लिखा है कि द वर्ल्ड डज नॉट नीड अनदर हिटलर। ध्यान दीजिएगा, द वर्ल्ड डज नॉट नीड अनदर हिटलर, इट नीड्स हीरोज लाइक मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला एंड गांधी। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि अब दुनिया को दूसरे हिटलर की जरूरत नहीं है, दुनिया को मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला और गांधी जैसे नायकों की जरूरत है। और इसके बाद वो अंदर फिर लिखती हैं, कहती है किलिंग योर ब्रदरन्स डज नॉट मेक यू हीरो, इट मेक्स यू अ डिक्टेटर एंड मर्डरर। स्नोबॉलिंग मोमेंट हैज बीन स्टार्टेड विच इज रिवर्बरेटेड Across the Arab world। ये प्रिंसेस कासिमी यूएई की हैं जिन्होंने लेख लिखा है, फ्रंट पेज पे छपा है। उसके अंदर जो उन्होंने लिखा है वो मैंने आपको अंग्रेजी में पढ़ के सुना है, मैं इसको हिंदी तर्जुमा कर देता हूं। इसका मतलब ये है कि अपने भाइयों को मारने से आप हीरो नहीं बनते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आप डिक्टेटर और कातिल बनते हैं। और फिर उन्होंने इशारा किया है, स्नोबॉलिंग मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड विच हैज रिवर्बरेटेड अक्रॉस द अरब वर्ल्ड। यानी अरब वर्ल्ड में अब इसकी तीखी प्रतिक्रिया हो रही है, इस पर वहां एक तरीके से चिंता जताई जा रही है। कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग इस मुगालते में है कि भारत में वो मुसलमानों के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाते रहेंगे और पूरी दुनिया चुप रहेगी, वो शायद गलतफहमी का शिकार हैं। कम से कम ये जो लेख है जो फ्रंट पेज पे गल्फ की शहजादी ने, जो यूएई के शहजादी ने लिखा है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी बहुत तीखा हमला कर रही हैं। ये वही यूएई है जहां 8 महीने पहले वहां की सरकार ने, वहां की राजशाही ने, वहां की रॉयल्टी ने
मोदी जी को एक वहां का जो सबसे बड़ा जो जो पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है वो उन्होंने उन्होंने दिया था। मैं जरा खोज रहा हूँ, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद। ऑर्डर ऑफ जायद यूएई ने 8 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, वहां का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, अवार्ड है, वो दिया था, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ जायद। और 8 महीने के अंदर स्थिति ये पहुंच गई है कि वहां की शहजादी जो है वो लिखती है कि दुनिया को अब एक और हिटलर की जरूरत नहीं है, दुनिया को ऐसे हीरोज की जरूरत है, मार्टिन लूथर किंग, गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे लोगों की जरूरत है। और आप जब अपने भाइयों का कत्ल करते हैं तब आप हीरो नहीं बनते हैं, आप कातिल होते हैं और आप डिक्टेटर होते हैं, यानी तानाशाह होते हैं। और आप ये मत सोचिएगा कि दुनिया चुप है, अरब वर्ल्ड में इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया है। तो ये वहां से स्थिति उठकर अगर यहां तक आ जाती है और ओआईसी कंट्रीज को अगर बाकायदा बयान जारी करके ये धमकी भारत को देनी पड़ती है कि वो निंदा करते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि वो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और जो कुवैत की सरकार अगर ये भी इस तरीके की धमकी की भाषा में बात करती है, वो कहती है कि हम लोग यहाँ चुप बैठने वाले नहीं हैं और द वर्ल्ड विल नॉट रिमेन साइलेंट, मतलब दुनिया शांत नहीं बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी, ये भाषा जो है वो इस बात का सूचक है कि हम फौरन भारत के अंदर या जो लोग मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत की बातें कर रहे हैं, पोस्ट जो लिख रहे हैं, वो किसी भी समुदाय के, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी भी समुदाय के हो, उस पर फौरन रोक लगनी चाहिए और देश की सरकार को उनके ऊपर क्रैकडाउन करना चाहिए, जैसे यूएई ने अपने यहाँ क्रैकडाउन शुरू किया है। यूएई में मैंने आपको कहा कि पिछले 30-32 दिनों के अंदर कम से कम 9 भारतीयों के खिलाफ या तो उनकी नौकरी चली गई या उनको सस्पेंड कर दिया गया या उनको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अगर ऐसी कोई कार्रवाई अगर इस देश के अंदर शुरू हो जाए तो यकीन मान लीजिए कि नफरत की जो दीवार है वो अपने आप गिर जाएगी और नफरत फैलाने वाले जो है वो किसी अपनी दुम दबाकर कहीं जाकर छुप जाएंगे। और अंत में मैं इतनी सी बात कहूंगा कि जो वहां के एक सज्जन, वहां की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है द सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज, जिसके डायरेक्टर हैं, जिनका नाम है सुल्तान बरकत, उन्होंने ये दोहा में यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कहा कि पीपल इन गल्फ कंट्रीज आर आउटरेज्ड ओवर द वे इंडियन मुस्लिम्स आर ब्लेम्ड फॉर कोरोना। ये इंटेलिजेंसिया है वहां का, और ये कह रहा है कि जो भारत में कोरोना को लेकर जिस तरीके से मुसलमानों को ब्लेम किया जा रहा है उससे पूरे गल्फ कंट्रीज में आउटरेज है, गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। और उन्होंने आगे अपनी भाषा में कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान कोरोना के लिए जिम्मेदार हैं तो फिर पूरी दुनिया में कोरोना कहाँ से फैला, क्यों फैला, किसकी वजह से फैला है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब भारत के अंदर लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उसके बाद दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीग जमात की मरकज़ थी वहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए थे और वो वहाँ छुपे रहे, और उसके बाद जब उनके बारे में पता चला उनको वहां से निकाला गया और कई हजार लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और उसके आधार पर ये कहा जाने लगा कि दरअसल इस देश के अंदर जो कोरोना फैल रहा है वो तबलीग जमात की वजह से फैल रहा है। और सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हुआ, उस कैंपेन में तबलीग जमात के बहाने जो है वो मुसलमानों को निशाना बनाया गया, ट्रेंड कराया गया कोरोना जिहाद, और तमाम तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया। ये अगर कोई ये सोचता है कि दक्षिणपंथी लोग ये सोचते हैं, हिंदुत्ववादी लोग अगर सोचते हैं कि इस पर पूरी दुनिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और सब शांत बैठे रहेंगे, तो बड़े गलतफहमी का शिकार हैं। और इस बात का एहसास शायद देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को है, तभी उन्होंने ओआईसी के स्टेटमेंट आने के फौरन बाद उन्होंने कहा था कोरोना जाति धर्म के आधार पर नहीं अटैक करती है। और उसके बाद आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान आया और उन्होंने ये कहा कि किसी एक समुदाय का व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है उसकी वजह से पूरे समुदाय को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो मोहन भागवत का ये बयान ऐसे ही नहीं हवा में आया हुआ है, उनको भी इस बात का एहसास है, आरएसएस को भी इस बात का एहसास है, बीजेपी को भी इस बात का एहसास है, और देश के प्रधानमंत्री को भी इस बात का एहसास है, और कतर, यूएई एंड ओमान में जो भारत के एम्बेसडर है उनको भी इस बात का एहसास है कि इसका नुकसान भारत को राजनीतिक तौर पर भी हो सकता है, भारत को आर्थिक तौर पर भी हो सकता है, और भारत को कानूनी अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई में भी फंस सकता है,
और सबसे बड़ी बात यह भारत की जो दुनिया के नक्शे पर एक शांतिप्रिय सारे समुदायों को साथ लेकर चलने वाले एक सेकुलर मुल्क की जो पहचान है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो जो भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत एक अपने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा धक्का ये लगेगा जो भारत की तस्वीर पूरी दुनिया में है, एक सेकुलर मुल्क, एक आधुनिक मुल्क की जो शांतिप्रिय है, अहिंसक है, वो छवि जो सदियों से बनी हुई है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोज को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।